हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एंटीबायोटिक ड्राई सिरप लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्लाम ड्राई सिरप, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि इसको कौन सी फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला गया है, इसको किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए, इसका क्या कार्य है, इसको लेने से हमको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और मार्केट में क्या प्राइस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लाम ड्राई सिरप, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको अल्केम फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल के बारे में देखें तो इसके अंदर मुख्यतः दो मॉलिक्यूल डाला गया है। पहला डाला गया है एमोक्सिसिलिन और दूसरा डाला गया है पोटेशियम एंड क्लोलिनेट एसिड डाला गया है। और इसकी उपस्थिति देखें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन जो कि 125 एमजी में डाला गया है और क्लोलिनेट एसिड जो कि इसके अंदर 37 एमजी में डाला गया है। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में इसकी बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि कान है, नाक है, गला है, साथी है, फेफड़े है, दांत है, तवसा है और मूत्र मार्ग के बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये जो कि जख्म भरने के लिए किया जाता है और यदि आपको कहीं पर सूजन है तो उसके लिए किया जाता है। और ये एक एंटीबायोटिक दवाई है। इसके अलावा ये सर्दी बुखार में भी काम करती हैं। क्लाम ड्राई सिरप देखें तो ये एक ड्राई सिरप है जो कि ये पाउडर वाली सिरप है और इसको बनाना पड़ता है। इसके अंदर साथ ही डिस्टिल वाटर रहता है जो कि इसके अंदर डाल करके अच्छी तरह से हिला करके इस बच्चे को देना चाहिए। ये सिरप जो कि खोलने के बाद ये 7 दिन तक ही चलती है, फिर इसके बाद एक्सपायरी हो जाती है। और इसके मुख्य विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि इस सिरप को खोलने से पहले फ्रिज के अंदर रखा जाता है और इसके बाद यदि आप इस सिरप को धूप में ना रखें, यदि आप इस सिरप को धूप में रखेंगे तो ये सिरप ख़राब हो सकती है। और इससे ख़राब होने के बाद यदि आप बच्चे को देंगे तो इसका भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और जब भी आप इस सिरप को देते हैं बच्चे को तो खाने के बाद ही इसका उपयोग करें, ताकि क्या है कि कोई पेट की प्रॉब्लम ना हो और इसको जल्दी से आराम हो सके। बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में बात करें तो ये जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयोग किया जाने वाला सिरप है। यदि अच्छा 8 महीने से 1 साल तक का है तो इसको 3 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और जब भी आप इस सिरप का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का उपयोग करें। अब बात करते हैं क्लाम ड्राई सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इसका मुख्य साइड इफ़ेक्ट है दस्त लगना, पेट में गड़बड़ी होना, गैस बनना, एसिडिटी होना। इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफ़ेक्ट है। और यदि इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार इसका उपयोग करें। अब बात करते हैं इसका मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो मैं भी आपके सामने लेकर आया हूँ जो 30 ml का सिरप है, जिसका मार्केट में प्राइस है 60 रुपये, जो मैं हर एक मेडिकल स्टोर पर ही आसानी से मिल जाता है। चलो दोस्तों, क्लाम ड्राई सिरप के बारे में इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो आप तक मिलती रहे।